OnePlus Nord 3, हाँ OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 3 इंडिया के अंदर आने वाला है यार। बात करते हैं इस वीडियो में पूरा, देखिए जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है OnePlus को लेकर, OnePlus Nord 3 को लेकर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड, मतलब बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले, बाद में बात करेंगे प्राइस नॉलेज के बारे में। तो मैं बात करता हूँ अगर इस फोन के बिल्ड डिज़ाइन के बारे में ऑल दैट, तो बहुत प्रीमियम स्मार्टफोन इसका आपको मिलने वाला है नो डाउट, क्योंकि OnePlus अच्छा डिज़ाइन ही देता है। यहाँ पे भी डिज़ाइनों को बढ़िया मिलेगा। डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी, फ्लूइड एमोलेड पैनल कहता है OnePlus से। सेंटर कंसोल मिलेगी 120Hz भी होगा और इन डिस्प्ले में सेंसर भी आपको देखने मिल जाने वाला है। तो आप कह सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया वाली होने वाली है। चिपसेट में आपको यहाँ पर मिलने वाला है बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला चिपसेट, वो है यहाँ पर डायमेंसिटी का 9000 वाला चिपसेट। अब ये चिपसेट की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छा चिपसेट है, क्योंकि मैंने हमने एक्सपेक्ट किया था, मैं जब मैं पहली वीडियो बनाता था OnePlus Nord 3 के ऊपर रिगार्डिंग, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था 8200-8300, बट आ गया 9000। तो मेरे सबसे अच्छी बात है क्या बात, यहाँ पर गेमिंग बढ़िया हो जाने वाली है। कैमरा से बात करते हैं, मेन कैमरा आपको मिलने वाला है यहाँ पर 50 पिक्सल का, जो सोनी का सेंसर होगा, होपफुली OIS का सपोर्ट होगा रियर में। एंड सेल्फी में बात करता हूँ, सेल्फी में आपको 30 पिक्सल की सेल्फी मिल सकती है, वहाँ से 1080p मोड बना सकते हो। अब सेल्फी में OIS होगा कि नहीं कंफर्म नहीं है। बैटरी में आते हैं, 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है, प्लस टाइप से 80W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिलने वाली है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। देखिए पिछले बार से नॉट टूटी, मैं मानता हूँ कि 80W इंक्रीज़ नहीं किया गया, बट 80W इनफ है मेरे हिसाब से अभी भी। और 5000mAh बैटरी इंक्रीज़ की गई, तो ये मुझे और अच्छी बात लगी। देन और आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर मिलेगा ये OnePlus में, बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। UI में एंड्रॉइड 13 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, यानी आपको यहाँ पर ऑक्सीजन उसके साथ रन करने वाला है। ये है पूरा यहाँ पे OnePlus तरफ से OnePlus का Nord 3। अगर मैं बात करता हूँ इसके इंडियन लॉन्च और प्राइस के बारे में, तो पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो अराउंड 34-35,000 rupees हो सकता है इसका प्राइस, बिकॉज OnePlus Nord 2T अगर आपको याद होगा 28,999 rupees का प्राइस था, और भाई इतना मतलब मैंने ऐसा स्मार्टफोन नहीं देखा जिसकी प्राइस गिरी नहीं। और OnePlus Nord 2T की प्राइस लिटरली बहुत टाइम तक नहीं गिरी, और अभी भी आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव बिकता है वो, मेरी मम्मी ने भी परचेस किया। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि Nord 3 का इंतजार कर लो आप, Nord 2T अभी मत लो। दूसरी बात इसके लिए, इसका फ़ोन का प्राइस जो 34-35,000 हो सकता है। अब लॉन्च की बात करता हूँ, जो मुझे पता है ज़्यादातर लोग इसके लिए वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अप्रैल के मंथ में तो बिल्कुल नहीं सोचो, मई के मंथ में भी ना सोचो, जून के मंथ में इंडिया के अंदर आ सकता है, ये ज़्यादातर खबरें हैं। बिकॉज OnePlus ने Nord 3 को ज़्यादा जून में लॉन्च किया, जैसे Nord 2 को देख लो, Nord 2T जुलाई में आया, तो जून जुलाई के जो मंथ है ना, वो आई थिंक हो सकता है Nord सीरीज़ के लिए OnePlus ने निकाल के रखा हो सकता है। तो कमेंट करके बताओ लोगे कि नहीं लोगे। मेरे हिसाब से मुझे फ़ोन बढ़िया लगा, बट हाँ यही है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत टाइम पीरियड लग गया इसको आने में इनको लाकर। तो बताना कमेंट कर लोगे कि नहीं लोगे। हमारा वीडियो पसंद आया लाइक करके जाओ, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली कॉन्टेंट हम चैनल पर लाते हैं, और बढ़िया बढ़िया मतलब डेली कॉन्टेंट नहीं लाते, मतलब कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम डेली बनाएं, तो हमारी कोशिश लगी रहती है। तो बस चैनल को सपोर्ट करते रहो, और हम एक दिन होगा कि हम प्रॉमिस करेंगे आपको कि हम डेली वीडियो लाएंगे जब आप लोग प्यार दोगे। तो इस वक्त रखता हूँ, इंटिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।